नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। उनमें करण समैन, पंचायती चुनाव का शंखनाद बज चुका है। हर गांव में पंच मेंबर सरपंच सर्वसहमति से चुनने की कोशिश की जा रही है। आज हम बात करेंगे गांव पिरथला की, जहां पर वार्ड नंबर 12 के पंच को सर्वसहमति से चुना गया है। हम आपको बता देते हैं कि बहुत बड़ी बात है, लगातार पांचवीं बार वार्ड नंबर 12 में सर्वसहमति बनी है, लेकिन वार्ड वासियों का बहुत बड़ा आरोप है। लगातार सर्वसहमति से पंच चुनते आ रहे हैं, लेकिन वार्ड का विकास अभी भी नहीं हो पाया है। हम बात करेंगे वार्ड वासियों से और जो पंच सर्वसहमति से चुना है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहे हैं और क्या उनकी अपील है, क्यों वार्ड के जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो आइए मिलते हैं पंच से। मेरा नाम विकास है, मैं गांव पिरथला से, मैं अभी वार्ड नंबर 12 से सर्वसहमति से पंच चुना गया हूं। और हमारा वार्ड नंबर 12 नंबर पिछले 25 सालों से आरक्षित वार्ड है। इसके कारण मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं जो सर्वसम्मति से पंच चुना गया मेरे को। और हमारे वार्ड का ना ही कोई विकास हुआ है, पिछली फिरनी गलियाँ हैं वो कच्ची पड़ी हैं और ना ही यहाँ के कोई खास पानी की व्यवस्था है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इस वार्ड की तरफ खास ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम बंसीलाल है, मैं वार्ड 12 से गांव पिरथला से हूँ। हमने 12 नंबर वार्ड से आरक्षित वार्ड है, इसमें हमने विकास कुमार को सर्वसम्मति से पंच चुना है और पिछले 25 सालों से हम सर्वसम्मति से पंच चुनते आए हैं। और ये हमारा 12 नंबर वार्ड जो आरक्षित है, इसमें सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही, गलियां कच्ची है, कोई मान लें इसमें विकास नहीं हो रहा और कई घरों में पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि ये आगे से मान लें जो फिरनी है हमारी वो पक्की की जाए और जो जिन घरों में पानी की दिक्कत है उनकी जाँच करके उनके अंदर पानी की व्यवस्था की जाए। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे इसमें वार्ड का पूरा विकास हो। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मेरा गाँव पिरथला से, वार्ड नंबर 12 से हैं हम। हमने विकास कुमार शर्मा को वार्ड नंबर 12 से अनारक्षित वार्ड है, इसको सर्वसम्मति से पंच चुना गया चुन दिया गया है। और हमें मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि हमारे वार्ड नंबर वार्ड में पिछले 25 सालों से ना तो कोई विकास हुआ है, ना कोई गांव में गलियों की कोई सुविधा है, ना कोई पानी पीने के पानी की कोई सुविधा है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि अब की बार जो भी हमारे गांव का सरपंच बने, सरकार द्वारा जो भी विकास कार्यों का योजनाएं हैं उसमें हमें उसका योगदान मिले और वार्ड नंबर 12 में विकास कार्यों की जड़ी सी लगे, यही हम दुआ करते हैं संपर्क साहब से। धन्यवाद।